युद्ध में रूस के खिलाफ ब्रिटेन यूक्रेन का साथ दे रहा है और अब ताइवान मुद्दे पर भी ब्रिटेन अमेरिका के रास्ते पर चल रहा है। ब्रिटेन में भी कुछ नेताओं को ताइवान भेजने की प्लानिंग चल रही है। यही वजह है कि चीन और रूस दोनों ब्रिटेन के दुश्मन बन चुके हैं। दोनों देशों से ब्रिटेन के लिए धमकी और चेतावनी आई है। पुतिन के करीबी ने ब्रिटेन को धमकी देते हुए लंदन के टावर ब्रिज को मिसाइल से उड़ाने की बात कही है। चीन की तरफ से भी ब्रिटेन को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी गई है। लंदन की पहचान और ब्रिटेन की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में से एक टेम्स नदी पर बना ये पुल अपनी डिजाइन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नाम है टावर ब्रिज। लंदन शहर के दो इलाके हैमलेट्स और साउथ वार्क को जोड़ने वाला ये पुल ट्रैफिक के लिहाज से भी बेहद अहम है। ब्रिटेन के इसी पुल को लेकर आई है मॉस्को से एक बड़ी धमकी। पुतिन के करीबी ने कहा है कि लंदन के टावर ब्रिज को मिसाइल से उड़ा देना चाहिए, ब्रिटेन के सैनिकों के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए, ब्रिटिश सेना को एस्टोनिया की मदद करने की कठोर सजा मिलनी चाहिए। पुतिन के करीबी और रूस में सांसद ओलेग मोरोजोव ने ये धमकी एक टीवी शो के दौरान दी। पुतिन के करीबी मोरोजोव ने आरोप लगाया है कि बोरिस जॉनसन कीव के साथ मिलकर पुतिन के एक ब्रिज प्रोजेक्ट को उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज को उड़ाने की साजिश का बदला लंदन के टावर ब्रिज को उड़ाकर लेना चाहिए। पिछले हफ्ते यूक्रेन की आर्मी ने क्रीमिया में एक एयरबेस पर हमला किया था। रूस को लग रहा है कि यूक्रेन अब इस इलाके में और बड़े हमले कर सकता है। रूस की सेना और सरकार को लग रहा है कि ब्रिटेन के कहने और उसके हथियारों की मदद से पुतिन के ब्रिज प्रोजेक्ट को भी उड़ाया जा सकता है। क्रीमिया का ब्रिज सामरिक तौर पर लंदन के टावर ब्रिज की तरह ही अहम है। यही वजह है कि रूस के टीवी शो में इस बात की धमकी दी गई कि क्यों ना रूस कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल करे और लंदन के टावर ब्रिज को गिरा दिया जाए। 2018 में रूस ने क्रीमिया को मेनलैंड रूस से जोड़ने के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबा पुल बनाया था। पुल का उद्घाटन खुद पुतिन ने एक बड़े कमर्शियल ट्रक को इस पुल पर दौड़ाकर किया था। पुतिन का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। दरअसल क्रीमिया के कब्जे के बाद पूरी दुनिया को अपनी धौंस दिखाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद ट्रक चलाकर क्रीमिया में दाखिल हुए थे। अब रूस को लग रहा है कि ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध के बहाने इसी पुल को उड़ा सकता है। ब्रिटेन के लिए धमकी चीन से भी आई है। अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन भी अपने कुछ नेताओं को ताइवान दौरे पर भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के कुछ नेता नवंबर दिसंबर में ताइवान दौरे की योजना बना रहे थे। चीन इस खबर के मिलते ही बौखला गया है। ब्रिटेन में चीन के राजदूत झेंग जेगवांग ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी नक्शे कदम पर ताइवान को लेकर रेड लाइन क्रॉस न करे। चीन ने ब्रिटेन को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।